तहे दिल और बहुत बहुत स्वागत है आप सबका लोगों पर जो कि है हिंदुस्तान का सबसे पहला लाइव ट्रिविया गेम शो। इको जी आपको शत शत नमन। वैसे अभी समर वेकेशन का टाइम चल रहा है तो आई एम श्योर आप में से बहुत लोग कहीं ना कहीं वेकेशन मनाने गए हैं, कोई किसी रिलेटिव के घर गया है तो कोई कोई नई जगह एक्सप्लोर करने गया होगा। तो जब आप ऐसी लंबी वेकेशन 10-15 दिन की वेकेशन पे जाते हैं तो कई बार आपको मौका नहीं मिल पाता है कि आप अपने सारे कपड़ों को धोकर और वापस लेकर आ जाएं। तो आप जनरली अपने बैग के अंदर एक जगह बनाते हैं जिसमें आप वो जो कपड़े हैं गंदे कपड़े हैं उनको रखते हैं किसी पॉलिथिन बैग में या किसी कंपार्टमेंट में, और आपको हमेशा लगता होगा कि यार इस कंपार्टमेंट में से बहुत बदबू आ रही है। तो अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है, आप वेकेशन पे हैं, तो आप क्या करिए, आप जहाँ भी होटल में रुक रहे हैं या किसी शॉप से आप छोटा सा एक सोप बार खरीदिए जो हमारा साबुन होता है, और उस साबुन को खोलकर उस पैकेट में या उस कंपार्टमेंट में डाल दीजिए। तो उससे क्या होगा कि आपका जो वो वाला पोर्शन या कंपार्टमेंट है जो थोड़ा सा बदबू मार रहा है या स्टिंक कर रहा है तो वो स्टिंक सही करेगा एंड यू विल हैव योर वेरी fragrance wahi vacation. Well, this is Monica's Tippy Tippy Talk for today. I'm going to tell you about the fan pictures jo main aayi hai. Main sabse pehli photograph aayi hai Suhail Zaidi se, aur unhone ye apne bete Sameer Zaidi ki photograph hume bheji hai. Aur Sameer sirf 7 saal ke hain lekin unhone hame ye bataya ki kal Suhail aur unki wife loco khel rahe the aur wo eliminate ho gaye lekin Sameer jo hai wo khelta hi raha aur wo loco jeet bhi gaya. एंड उन्होंने लोगों को खेलने के लिए कलाम क्लॉक भी लगा रखी है और जैसे ही लोगों स्टार्ट होता है तो वो उसके म्यूजिक पे डांस भी करते हैं। सुहेल, आप इनके डांस करते हुए हमें एक एक्टिवेट गेट लोगों ना पर वीडियो भेजेंगे तो हमें बहुत अच्छा लगेगा एंड यू वुड लव टू फीचर दैट एज वेल। दूसरी फोटोग्राफ हमें आई है विश्वास भगत से, जिन्होंने एक डेडपूल का पोस्टर बनाया है ताकि लोगों खेलते वक्त उनकी रूमीज उन्हें परेशान ना करें या उन्हें डिस्टर्ब ना करें। वेल, ऑल द बेस्ट टू विश्वास भगत एंड ऑल योर रूमीज आउट देयर। आई थिंक आपको भी विश्वास को लोगों खेलने में जरूर ज्वाइन करना चाहिए। तो थैंक यू सो मच फॉर सेंडिंग दीज फोटोग्राफ्स टू अस। आप भी इसी तरह से हमें एक्टिवेट गेट लोगों नाउ पर कम्युनिकेट करते रहिए और अपडेट्स जानने के लिए हमें ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पे एक्टिवेट गेट लोगों नाउ पर फॉलो कर सकते हैं। वेल, ये गेम तो आपको पता ही है, इसमें होंगे 10 सवाल और हर सवाल का जवाब देने के लिए आपके पास होगा 10 सेकेंड का समय जो कि शुरू होता है जब हम सवाल बोलना स्टार्ट करेंगे। और आज के हमारे इस गेम की प्राइज मनी है पूरे 50,000। अगर आपको नहीं पता है तो हमारा जो LCL है उसका टाइम बदल गया है, तो आज से आपका LCL होगा 6:50 पर, ना कि 7:50 पर। सो आई होप आई गेट टू सी यू इन LCL एज वेल। वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द गेम एंड ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू गाइस। आई होप यू विन इट टुडे। व्हाट आर यू मोस्ट लाइकली टू यूज फॉर अ कट ऑन योर पाम? हॉर्स, हार्पिक या बैंडेज? वेल, ये ऐसे बहुत क्वेश्चन आपको बड़े पसंद होंगे ना, मतलब हमें इतने क्रिएटिव लगते हैं क्वेश्चन, हमें लगता है कि कहाँ से लेके आते होंगे, मतलब आप चलते फिरते बोलेंगे हाँ ये सवाल हो सकता है हमारा आज का बहुत सवाल। वेल, इसका राइट आंसर है बैंडेड। और आपको पता है हमारे साथ तो ऐसा होता था बचपन में है ना, जब हमें कभी भी कट लग जाता था तो दुखने की जगह एक बार को मजा भी आता था कि सर बैंडेड लगा के स्कूल जाना होगा और बड़ा मजा आएगा क्योंकि बड़ा कूल फील होता था ना, सब पूछने से अरे क्या हो गया क्या हो गया, थोड़ा सा टेंशन होता था तो अच्छा लगता था। Question number 2 coming for you. What is the capital of Tamil Nadu? Chennai, Madurai ya Coimbatore? Jo bhi log south mein khel rahe hain aapke liye to matlab itna amazing sawal hai ki yaar bas aise sawal poochte rahe hum logon se to aapko jeetne mein zyada time nahi lagega. Well, iska right answer hai aapke liye, I hope you guys have got it right because the right answer is Chennai. Well, Chennai is nicknamed Detroit of India with more than 1/3 of India's automobile industry being based in the city. वैसे चेन्नई को मद्रास भी बोला करते थे ना, आज भी काफी लोग उसको मद्रास के नाम से ही ज्यादा करके एसोसिएट करते हैं। Question number 3 coming to you. Sericulture is the production of honey, silk या fish? Well, ये हमारा सोशल मीडिया लड्डू भी था, आई एम श्योर आप लोग सोशल मीडिया पे बड़े एक्टिव रहते हैं और इस लड्डू का बड़ा ही देर से इंतजार भी करते रहते हैं। और हमने ये भी देखा है कि जब लड्डू आता है तो आप सब आपस में उसको शेयर भी करते हैं। आई लाइक टू सी हाउ दैट यू गाइस डू। द राइट आंसर फॉर यू इज सिल्क एंड सेरिकल्चर और सिल्क फार्मिंग इज द कल्टिवेशन ऑफ सिल्क वर्म्स टू प्रोड्यूस सिल्क। वैसे अगर आप साउथ में जाएंगे तो आपको तमिलनाडु में कांजीवरम सिल्क मिलेगा और नॉर्थ ईस्ट में आसाम का एक बहुत ही स्पेशल सिल्क होता है जिसे गोल्डन मोहू सिल्क शायद कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 4,
In which film did Amitabh Bachchan play his first double role? Vande Bharat, Adalat, ya Doll? Let me give you a clue. कि ये जो फिल्म थी इसमें अमिताभ बच्चन के दो किरदार थे, एक था चोर का यानी कि थीफ का और दूसरा किरदार था कवि का यानी कि पोएट का. तो अगर आपको आपने ये फिल्म देखी है जो कि 1973 में रिलीज हुई थी तो आपको इसका जवाब पता होगा. द राइट आंसर फॉर यू इज बंदे हाथ. इनमें पहली बार अमिताभ बच्चन जी ने डबल रोल का किरदार निभाया था जबकि अदालत जो है वो 1977 में रिलीज हुई थी और डॉन 1978 में रिलीज हुई थी. एंड इट वाज क्लासिफाइड अ गोल्डन जुबली बाय बॉक्स ऑफिस इंडिया. Question number 5. Where is the headquarters of the United Nations located? Geneva, New York, or Paris? Well, अगर आप लोग studies कर रहे हैं, अगर आप college में हैं, तो let me tell you कि college से आपको कई ऐसी opportunities मिल सकती हैं जिसमें आप India को United Nations में represent कर सकते हैं. Why do I know this? Because my genius brother, he has represented India at United Nations and in fact he's also headed the student council over there. The right answer for you is New York and you've got about 31,000 people have got it right. New York, Manhattan में United Nations का headquarters है. More about the student council in New York, I think you should definitely speak to the administration department of your college. Question number 6, if you are spelunking, what are you doing? Exploring caves, failing in class, or going on a dive? Well, I hope कि आप लोग lecture बंद करके ये हमारे गेमिंग खेलते रहिए तो दूसरा option आपके लिए काफी relatable होगा. और डाइट पे तो भैया आप जाया ही मत करो, इतना मत खाया करो कि आपको डाइट पे जाने की जरूरत पड़ जाए. द राइट आंसर फॉर यू इज एक्सप्लोरिंग केव्स. और हमने भी कुछ ही दिन पहले ही आपसे कहा था कि अगर आप केव में घूम के आए हैं तो हमें इसकी फोटोग्राफ जरूर भेजेगा. काफ़ी लोगों ने हमें फोटोज भी भेजी. तो अब आप नेक्स्ट टाइम जब भी केव घूमने जाए ना तो अपने फ्रेंड को एकदम सो कूल फील करके बोलेंगे ए आई लम के यू नो से लम के. दैट्स द राइट वन. क्वेश्चन नंबर 7. इन विच सिटी were the first three editions of the Indian Olympic Games held? New Delhi, Allahabad, or Lahore? Well, let me tell you that the first edition of the Indian Olympic Games were held in 1924 when Punjab was undivided. So the right answer for you is, the right answer is Lahore. We've got about 7,600 people who have got it right. The first three editions were all held in the city of Lahore. So eighth edition hai wo Calcutta mein hua tha. I hope you all are playing sports and someday you do aim to, you know, represent India in the Olympics. That's the most proud moment for any parent. Question number 8. Which of these animals was cloned the earliest? Cumulina the mouse, Noah the gorg, Mira the goat? I'm sure its answer aapko pata hai. Aur cloning to khair aapko pata hi hai. It's done using cells and tissues. Jo bhi science background se hai unko ye baat bahut acche se pata hogi. The right answer for you is Cumulina the mouse. You've got about 4,600 people have got it right, and she even produced babies. You know, after she was cloned, she produced babies and she lived till 2000. Noah the Gorg was cloned in 2001, whereas Mira the Goat was cloned in 1998. Question number 9. India's first Hindi newspaper, Udan Martand, began publication from Lucknow, Kolkata, या नासिक? वेल, अगर आपको जर्नलिज्म में जरा सा भी इंटरेस्ट है तो लेट मी टेल यू समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग. आने वाली 30 में यानी कि चार दिन बाद जो हमारी 30 मई की तारीख आने वाली है 2018 विल कंप्लीट 192 ईयर्स ऑफ इंडियन जर्नलिज्म. द राइट आंसर